हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के है। टैली ईआरपी 9 या टैली प्राइम कोई भी वर्जन हो, क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर हैं अहमद रंगरेज करके हैं, तो इन्होंने पूछा है कि सर एजुकेशनल मोड में लेजर बना तो दिया मगर एक्सेप्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा है डेट प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी डेट डालूं, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो ये यही पूछना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि टैली ईआरपी 9 है या प्राइम है, कोई भी वर्जन आप यूज करें। तो देखिए ये एजुकेशनल मोड है और एजुकेशनल मोड के लिए हम क्या करते हैं, ये नीचे एक लाइन सी आपको छोटी सी दिख रही होगी, इसका मतलब है कि ये बटन आपको अल्ट के साथ प्रेस करना है, तो अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यस करता हूं मैं और एक नई कंपनी आ गए हैं और यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जैसे ही जाते हैं तो आपको सी हाईलाइट होता हुआ मिलता है, तो आप सी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही सी प्रेस करेंगे तो एक नया फॉर्म खोल करके आएगा और ये जो है आपका बाय डिफॉल्ट पाथ है, यहीं पर आपका सारा डेटा जो है टैली का सेव होगा। अब यहां पर क्या करता हूं, कोई भी एक कंपनी का नाम न्यू कंपनी के नाम से दे देता हूं, ये एक नई कंपनी है और इसका नाम मैंने न्यू कंपनी दे दिया है और यहां पे न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, देवरिया। ठीक है, ये हो गया। यहां पर आएंगे और यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश यहां रख करके और यहां पे कर देंगे 274001 और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहां से इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं और एक्सेप्ट कराने के बाद जो है जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो आपके सामने इस तरीके का सिनेरियो आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमने कंपनी तो बना ली है लेकिन अब इसमें लेजर्स कैसे बनाए जाएंगे और कैसे एक्सेप्ट होंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि डेट कौन कौन सी इसमें चेंज होगी, तो पहले हम डेट पे ही आ जाते हैं। देखिए ये टैली ईआरपी 9 का एजुकेशनल मोड है, आप चाहे टैली प्राइम यूज करिए या चाहे टैली ईआरपी 9 यूज कीजिए, दोनों ही में आप एक तारीख के डेट में या दो तारीख के डेट में या 31 तारीख के डेट में ही काम कर पाएंगे और किसी डेट में आप काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दो तारीख की डेट रखता हूँ तो यहाँ पे दो तारीख एक्सेप्ट कर जाएगा और जब मैं कोई भी एंट्री पास करूंगा, सपोज कीजिए मैंने रिसिप्ट की ही एंट्री पास करी, तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए हमें क्या प्रेस करना है, F6 प्रेस करना है आगे रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ दो तारीख शो हो रहा है। और अगर मैं एंट्री भी कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे ऑल्ट सी करके लेजर बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट का, एक्सेप्ट कराने का क्या तरीका है, लेजर बना दिया कैपिटल अकाउंट का और यहाँ पे एंटर करके आएंगे, एंटर करके आएंगे, एंटर एंटर लास्ट तक आपको एंटर एंटर करना है, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये एक्सेप्ट होगा। अब ये एक्सेप्ट होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो अमाउंट है कैपिटल का, कैपिटल यानी कंपनी में लगाया जाने वाला फंड, वो डाल देना है यहाँ पर। और यहाँ पर इस बार कैश की बात हो रही है तो कैश का लेजर नहीं बनता है, 99% मामलों में कैश का लेजर नहीं बनता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जब तक आप लास्ट तक एंटर 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 नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, अब मान लीजिए किसी और वाउचर में, मान लीजिए परचेज में एंट्री पास करनी है, आप डेट चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तीन तारीख के डेट में आप काम कर पाएंगे, ये चूंकि एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पर आप तीन तारीख के डेट में काम ही नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा, एंटर ही नहीं कर पाएंगे, तब क्या करेंगे, तो फिर आप दो तारीख के ही डेट में काम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 3 करते हैं, 3/4/2024 कर देते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एंटर एंटर कई बार कर रहा हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा और बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि टैली के अंदर अगर एजुकेशनल मोड है, अगर एजुकेशनल मोड है टैली आपका, चाहे टैली प्राइम यूज कीजिए चाहे टैली ईआरपी 9 यूज कीजिए, दोनों ही अगर आप एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं तो एजुकेशनल मोड में या तो आप एक तारीख के डेट में काम कर पाएंगे या तो दो तारीख के डेट में काम कर पाएंगे और या तो 31 के डेट में काम कर पाएंगे। अब चेक करते हैं क्या हम 31 का डेट यहाँ पे ला सकते हैं, तो अप्रैल तो 31 का महीना होता नहीं है, यहाँ एप टू करते हैं, यहाँ कर लेते हैं मई, तो यहाँ पे 31/5/2024 करते हैं, तो ये एकदम एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 31 मई डेट भी आ गई है, देखिए यहाँ पर 31 मई आ गई है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 30 तारीख के डेट में काम कर पाएंगे, तो 30 मई यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं 30, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 30/5/2024, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो टैली में अगर आप एजुकेशनल मोड यूज करते हैं तो इन्हीं डेट्स में केवल काम कर पाएंगे, अदर किसी डेट में आप काम नहीं कर पाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, और एक्सेप्ट वाला ऑप्शन तब आएगा जब आप एंटर 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 लास्ट तक करते हुए एंटर एंटर जाएंगे। और लेजर का ग्रुप सही रखिएगा, जैसे ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप परचेज का लेजर बना रहे हैं तो आप
चले चलिए यहाँ से पहले मैं बाहर आ जाता हूँ और अकाउंट इन्फो पे चलता हूँ और ये लेजर पे आता हूँ और यहाँ पे सिंगल लेजर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेजर बना रहे हैं परचेज का, तो यहाँ पे ये परचेज का लेजर बनाया, ये परचेज अकाउंट कर दिया हमने और इसका ग्रुप मान लीजिए परचेज के बजाय कुछ और रख दिया आपने, जैसे करंट एसेट रख दिया, तो यहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे ना, तो आप जब जाएंगे यहाँ पर एंट्री पास करने, तो आपने तो परचेज का लेजर बना दिया है, तो यहाँ पे आपने सीधा सीधा सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर रखा, यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पर कैश या क्रेडिटर पार्टी आएगा और यहाँ पे परचेज का लेजर। तो आप सोचेंगे कि हमने परचेज का लेजर बनाया था लेकिन यहाँ पे परचेज का लेजर शो नहीं करेगा, तो ये भी एक गलती है जो आप मत करिएगा। और अगर कर दिया तो इसको सही करने का तरीका ये है कि गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए और यहाँ से अकाउंट इन्फो पे आकर के और फिर लेजर पे चलिए और यहाँ से अल्टर कर लीजिए। तो हमें परचेज के लेजर को अल्टर करना है क्योंकि इसी का ग्रुप गलत हुआ था, और यहाँ जाकर के पी प्रेस कीजिए तो ये आ जाएगा परचेज अकाउंट का, फिर इसको दोबारा से एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पर आकर के अब आप एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर इंडेक्स सॉल्यूशंस से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।